Assalamualaikum, welcome to another vlog. आपका भाई जो है ना आज एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसको 4-5 दिन लग जाएंगे. तो ये एक बड़े ही प्यारे भाई हैं मेरे, गुजरांवाला के, उनकी गाड़ी है, उन्होंने मुझे दी है. उन्होंने कहा तो भाई प्रॉपर मुझे एक प्रोजेक्ट करके दो आप, इस पर ईच एंड एवरी थिंग ठीक है. बाकी गाड़ी कौन सी ये मैं आपको भी नहीं दिखा रहा, ये मैं जाके आपको थोड़ा छोटे दिखाऊँगा जहाँ पर इसको खड़ा करना है काम वगैरह के लिए. तो बाकी निकलते हैं घर से वर्कशॉप की तरफ, आपको मिलते हैं रास्ते में. रिम्पा वगैरह भी जाना है, नाम वगैरह को भी मिलना है. तो चलते हैं पहले इसके काम करवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी कौन सी है. तो इसके इंटीरियर से चेक गैस कर लें कौन सी गाड़ी है और मुझे बताएं कमेंट्स में. फाइनली रिम्पा जी गैराज पे पहुंच गए, हम लोग गाड़ी खड़ी कर दी, अब जा रहे हैं शिदाद भाई के पास ईच एंड एवरी थिंग का रेट लेने. तो बॉयज़ रिम्पा से हम लोग निकल गए हैं, ये रिम्पा है और ये सामने शिदाद भाई, जा रहे हैं इनको गाड़ी देने. और उम्मीद अब तक तो आप सब ने गैस कर ही ली होगी गाड़ी. बाकी आज इसका जो है थोड़ा सा काम स्टार्ट होगा, बाकी मेन काम जो है ना वो इसका कल से स्टार्ट होगा जब इसके रिम टायर जाएंगे. तो चलते हैं शिदाद भाई के पास, उनको गाड़ी देते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं रिम्पा. तो वो ये गाड़ी है CRZ और हम आए हैं हमारे प्यारे भाई शिदाद भाई के पास. शिदाद भाई तो भाई इसका जो भी काम होगा फर्दर, आपको जो भी इसकी मॉडिफिकेशन नज़र आनी है वो इधर ही नज़र आनी है शिदाद भाई के पास. बाकी चलते हैं हम लोग, आज इसका कोई काम नहीं होगा, वो उन्होंने हमें कल का टाइम दे दिया, कल ही आते हैं फिर शिदाद भाई के पास प्रॉपर. सबसे पहले रिम लगाने, बट ठीक है रात को रिम आएंगे, पहले रिम लगाएंगे इसको ठीक है. ठीक है डन करो, ठीक है ओके. तो बॉयस वापस चलते हैं, शिदाद भाई ने हमें कल का टाइम दे दिया. इब्राहिम जी सर हमें कल का टाइम मिला है, अब हमने जाना वापस, बताना कि आपको घर छोड़ना है किधर छोड़ना है, क्योंकि अब तो खैर कल पे बात चली गई है. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see. एग्जॉस्ट लिया है ये CRZ के लिए और ये लिया है भाई जी गिराज से. फिर वही बात, जो चीज़ जिसको चाहिए होगी भाई जी गिराज पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए. हनान का नंबर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये वाला बल्कि बंद है, दूसरा मैं दे दूंगा यहाँ पे. और हम जा रहे हैं अब इसको स्टेट पाइप और ये एग्जॉस्ट लगवाने. स्टार्ट यार ये CRZ में ना, क्योंकि सीधी बात है पहले मैं चला रहा हूँ, मुझे था कि ये कोई इशू है, लेकिन इशू नहीं है. ये इको मोड पे ऑटोमेटिकली बैटरी भी शिफ्ट हो जाती है जब आप कहीं पर रुकते हो, यार ये अच्छी चीज़ है, पेट्रोल बचता है. लेकिन पेट्रोल कहाँ 315 रुपये चला गया यार, मैं सोच रहा हूँ अपनी वाली ना ही लाऊं पिंडी से खड़ी रहती जब तक पेट्रोल 100-150 नहीं होता. लेकिन लानी है आपको पता है, बड़ा बड़ा वेट हो गया, मजबूरी मजबूरी नहीं शौक में लानी है भाई, शौक शौक में करना जो भाई जी. सिलेंसर वाले ने भी टाइम दे दिया, आज लगता सारी किस्में में लोग टाइम ही दे रहे हैं और कुछ खैर मतलब काम नहीं कर रहे. नेगेटिव नहीं लेना बात का, तो फिर अब घर जा रहे हैं, कर कुछ नहीं ना सकते. उसने टाइम दिया 7 बजे का, लेकिन मैंने उसको कहा 6:30 बजे, ऐसे
पैरों में पड़ा है, ये लगाना है इसको, लगा के फिर स्ट्रेट पाइप भी करना है 2 इंच का। ढाई वो कह रहा है इसको बड़ा हो जाएगा काफ़ी, ढाई ना करो, 2 कर दो। मैंने कहा 2 ओके है। अब ये है कि इसको फिर आते हैं स्ट्रेट पाइप करवाते हैं और उसके बाद फिर सो जाएंगे। थके हैं, सुबह के उठे हुए हैं, तो उसको पता है आज जुमा था। अब ये ना समझना जुमा नहीं पड़ा, जुमा पड़ा भाई, एक तो पाकिस्तान में, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं आता, खड्डे पड़े। चलते हैं जहाज, कुछ खाने पीते खाते पीते हैं, फिर वापस निकलेंगे 7 बजे। अगर इब्राहिम ने जाना ना हो तो, जाना तो नहीं जाना, 7:30 बजे जाना है, 7 से 7:30 लेट हो जाओगे फिर लगता है। आज की सैलरी मेरी तरफ से आयो, शायद आज वो सैलरी नहीं देंगे ना, आज की सैलरी मैं दूंगा। कोई नहीं यार, चलते हैं कुछ खाने पीने चलते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. तो भाई ये वापस आ गए हम लोग सिलेंसर वाली शॉप पे। टाइम हो गया था, लेकिन एक चीज का घाटा हो गया कि हमसे पहले गाड़ी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से हमारा काम जो है ना वो लेट शुरू हुआ है। लेट का मतलब है कि भाई जी 7 बज गए हैं, 8 बजने वाले हैं। इन्होंने हमें कहा था 6:30 बजे आ जाना, खैर आए तो हम 6 बजे थे, लेकिन 6 नहीं 6:15 बजे तक आ गए थे। लेकिन आप देख लो 8 बजे हमारा काम शुरू हो रहा है, इतनी देर हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके बैठे थे गाड़ी में। बाकी अभी शुरू हो गया ऑलमोस्ट, अब देखते हैं ये स्ट्रेट पाइप पे कैसा साउंड देता है, क्योंकि वो इसका स्ट्रेट पाइप पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ ठीक है, एग्जॉस्ट इसका अंदर पड़ा हुआ। पहले इसको चेक करेंगे स्टेट पाइप पे क्या साउंड देती है, उसके बाद इसको एग्जॉस्ट लगाएंगे, देखेंगे एग्जॉस्ट लगाना है कि नहीं लगाना। अगर तो साउंड ज़्यादा चाहिए तो फिर स्टेट पाइप ही रहने देंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट देखते हैं बाद में साउंड देगा कि नहीं देगा, वो फिर चेक करेंगे इसको। तो अभी वो लगा रहे हैं, पुरानी पाइपिंग खोल रहे हैं सारी इसकी, वो आती है 1.25 इंच की आती है मेरा ख्याल है। तो अब ये आई, ये 2 इंच का पाइप है, तो ये 2 इंच का पाइप देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है साउंड तो देगा ही देगा, कोई मसला नहीं होगा। रात को आपको कोई व्लॉग नहीं एंड कर सका,
और ना ही आपको साउंड सुना सके। तो अभी करता हूँ इसको स्टार्ट, फिर आप इसका साउंड भी सुने और मुझे बताना है आपने कमेंट्स में कि कैसा लगा साउंड। खैर कुछ ना अच्छा भी नहीं है, कुछ ना बुरा भी नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से ठीक है। ये फिलहाल इसका कॉल स्टार्ट है आइडल पे। बाकी इसके जो बाकी काम हैं वो आज से उम्मीद है स्टार्ट होंगे, क्योंकि आज तो छुट्टी है। अब देखते हैं क्या करना है। बाकी मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें और भाई को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको भाई आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहे। अल्लाह हाफिज़।